सरकार अंतरजातीय विवाह करने वालों को लाख प्रोत्साहन देने की बात करे लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत अलग ही नजर आती है। अंतरजातीय विवाह करने वाला समस्तीपुर का एक प्रेमी जोड़ा समाज की प्रताड़ना का शिकार है। मुख्यमंत्री से लेकर महिला आयोग तक और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर पुलिस के पास तक बार बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक सिर्फ आश्वासन ही उनकी झोली में आए हैं। अपने ननिहाल में रहने वाली पूजा को अपने घर के बगल में ही रहने वाले पुरुषोत्तम से प्रेम हो गया। दोनों ने अपने प्रेम की पवित्रता बनाए रखने के लिए शादी करने का निश्चय किया। इस शादी को दोनों के परिवार वालों की भी रजामंदी मिली, लेकिन दोनों का अलग अलग जाति का होना गांव के लोगों को नागवार गुजरा। समस्तीपुर के हलई थाने के चकलाल शाही गाँव में दोनों का रहना मुश्किल हो गया और आखिरकार दोनों को गाँव छोड़ना पड़ा। दोनों के परिवार वालों ने दिल्ली ले जाकर उनकी शादी कराई। अब दोनों की 1-8 महीने की बेटी है। दोनों ही अब वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 8 महीने का बच्चा हो गया, उसके बाद मैं गांव आया तो गांव वाले ने रहने नहीं दिया और कहता है भागो क्योंकि तुम अंतरजाति से शादी कर लियो, और रात में भगा दिया और कहता है अगर आओगे तो जान से मार दूंगा, और कहता है मेरे घर वालों को भी भात उतार दिया। पुरुषोत्तम और पूजा ने अपनी व्यथा मुख्यमंत्री से लेकर महिला आयोग तक पहुंचाई। पुलिस के पास भी दोनों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी भी उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। लड़के के माता पिता उसे अपनी पत्नी के रूप में अपने घर में रखना चाह रहे हैं खुशी खुशी, लेकिन कुछ समाज के लोग जो हैं सो इस तरह का भेदभाव अंतरजातीय विवाह होने के कारण थोड़ा अपनी रंजिश दिखा रहे हैं, जिस कारण थाना अध्यक्ष को कहा गया है कि वो सामाजिक स्तर पर मुखिया सरपंच को बुलाकर इसका निपटारा करें। प्रेमी जोड़ा अपने 8 महीने की मासूम बच्ची के साथ दर दर भटक रहा है, लेकिन उनकी पुकार अब तक अनसुनी ही रही है। आखिर पुलिस और कानून उनकी मदद कब करेगा? रमेश शंकर, सहारा समय, समस्तीपुर।